So let's begin with the topic. In Vignette, before this, we studied about Caesar cipher in our previous lecture. So in this class, we have to study about Vignier cipher. अब Vignier cipher क्या होता है? एक और substitution की technique होती है. इसके अंदर भी हम यही करते हैं कि हमारे पास plain letter होता है या plain text होता है. मतलब कोई भी आपके पास word हो सकता है, English का कोई भी alphabet हो सकता है. मगर उसके साथ साथ ये आपको एक key दे देता है, एक key generate करके दे देता है. आपने उस key को और plain text को उन दोनों को मिला करना एक इसका encrypted form में ना उसकी उस encryption उसकी करनी होती है कि आपके पास वो secure letter आ जाए. ठीक है ना. तो यहाँ पर अब हम विग्नियर साइफर देखेंगे. विग्नियर साइफर के अंदर आपकी दो चीजों के साथ आपने डील करना होता है. एक होते हैं आपके कॉलम्स और दूसरी होती है आपकी रोज. ठीक है. अब आप इसका टेबल भी नीचे देख सकते हैं. इट्स क्वाइट इजी टेबल, बट बड़ा थोड़ा सा ना कंसेंट्रेट आपने करना है. अगर आप कंसेंट्रेट नहीं करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, विग्नियर साइफर का टेबल देखो कि ये द टेबल इज शोन इन टेबल 4.1. The table consists of 26 rows and 26 column. अब ये जो टेबल है ना आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 26 कॉलम्स हैं और 26 ही रोज हैं. 26 किस तरह इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जी. ये देखो, अब ए बी सी डी ये सारी अल्फाबेट्स जो है ना ये उसने यहाँ पर लिख दी हैं कॉलम वाइज. ये देखो, अप टिल जी, ए से लेकर जी तक उसने कॉलम वाइज लिख दिए हैं और उसके बाद ए से लेकर जेड तक रो वाइज लिख दिए हैं. ए से लेकर जेड तक कॉलम वाइज और ए से लेकर जेड तक रो वाइज उसने लिख दिए हैं. ठीक हो गया. अच्छा, वेयर द फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, इन ईच सब्सिक्वेंट रो द अल्फाबेट इज शिफ्टेड बाय वन लेटर टू द राइट. ऑल द कॉलम्स आर लेबल्ड बाय अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी एंड ऑल द रोज आर ऑल्सो लेबल्ड फ्रॉम अल्फाबेट्स बाय अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जी. अब वो कहते हैं कि ये देखो, आपने ये जो टेबल इसका बनाना है ना, ऊपर आपने इसमें राइट पे भी आपने लिख दिया, एक कॉलम वाइज भी ए टू जी लिख देना है और रो वाइज भी ए टू जी आपने लिख देना है. उसके बाद जब आपने अंदर इसे फिल करना ना, इसके अंदर टोटल 26 कॉलम्स और 26 रोज ही बनेंगे. अब आपने क्या करना है, पहली लाइन में टेबल के अंदर ए से लेकर जेड तक एज इट इज लिख देना है. ये देखो, पहली रो में आपको नजर आ रहा होगा ए से लेकर जेड तक उसने, मैं इसे स्मॉल कर रही हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, पूरा टेबल नजर आए. आप लोगों को विजन क्लियर नजर आ रहा है? मैंने स्मॉल किया है, साइज पेज का स्मॉल किया है, सो दैट इट माइट बी क्लियर, पूरा टेबल हमें नजर आ जाए. ठीक है, सो गौर से देख लीजिएगा. अच्छा, अब नाउ यू कैन सी दैट इन फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने ए टू जी हमने एज इट इज सारा लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर अप टिल एक्स वाई जी तक लिख दिया. After that, in our next column में हमने क्या किया, A का जो अल्फाबेट है ना, फर्स्ट अल्फाबेट, वो आपने ओमिट कर देना है, B से स्टार्ट करना है. B से जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो B C D E F G H, अब आपने Z तक आना है, तो लास्ट में A खाली बचेगा. तो जो लेटर आपने ऊपर ओमिट किया है ना, वो यहाँ पर ऐड कर देना है. अब A से हम A हमने छोड़ दिया था ना, तो A हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ठीक हो गया. उसके बाद अब हमारा ए भी निकल गया, अब हमने कौन सा वर्ड ओमिट करना है, बी ओमिट करना है. तो अगला जो कॉलम होगा उसे हमने सी से स्टार्ट करना है, सी डी ई एफ जी एच. तो जब हम जी तक जाएंगे तो यहाँ दो स्पेसेस फिर बच जाएंगे. फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक ए ऐड कर देंगे, एक बी ऐड कर देंगे. फिर हम डी से स्टार्ट करेंगे, डी ई एफ जी एच से यहाँ से लेकर जेड तक लिखेंगे और उसके बाद हमने देखना है ए बी सी, तीन लेटर्स रह गए थे वो हमने यहाँ पर फिल कर देने. ठीक हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, E से स्टार्ट करेंगे, E F G H I J के यहाँ से लेकर हम Z तक जाएंगे. उसके बाद A B C D, हम यहाँ पर ये A B C D आ गया. ठीक हो गया. जो वहां पर हमने ओमिट, जहां से ओमिट किया था ना, उससे पिछले जितने लेटर्स होंगे वो हम नीचे नीचे फिल करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज. ठीक हो गया. इस तरह तरीके से आप देखो, लास्ट तक जाते जाते आपके पास सिर्फ एक Z का अल्फाबेट बच जाएगा. Z आपका सबसे ऊपर आ गया और फिर A B C D ये सारे आपके नीचे आ जाएंगे. ऑल राइट. So this is the table of Vignier cipher. इस तरह आप Vignier cipher का table design करते हो. Okay? इसमें किसी को कोई problem है तो आप पूछ लो, अभी पूछ लो, ताकि आगे चलने से पहले आपको मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया है.
समझ आ गई आप सारों को ये किस तरीके से टेबल उसने बनाया विग्नियर साइफर का? यस टीचर समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट अगर हम आगे हम चलें तो देखें अब ये टेबल के आगे अब वो क्या करेगा, एक आपको प्लेन टेक्स्ट का लेटर दे देगा और दूसरा आपको उसकी की बता देगा। ठीक है, दो चीजें वो आपको बता देगा। अब आपने उससे उसकी एक साइफर टेक्स्ट आपने जनरेट करवाना है। साइफर टेक्स्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हिडन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी और को समझ नहीं आते। अब विग्नियर साइफर का मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट टू जनरेट द साइफर टेक्स्ट। अब वो कहते हैं कि विग्नियर साइफर में क्या होता है कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन की होती है जिसको आप प्लेन टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करवाते हो। जो प्लेन टेक्स्ट आपका होता है ना उसके साथ आप ज्वाइन करवाते हो, दो आपके पास मतलब एक सब्स्टिट्यूशन की होती है और एक प्लेन टेक्स्ट होता है, दो चीजें आपके पास होती हैं। उसको आप किस में जनरेट करवाते हो? साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? अनरीडेबल फॉर्मेट जो होता है टेक्स्ट का, उसको हम विग्नियर साइफर के अंदर हम ये चीज कहते हैं साइफर टेक्स्ट को। ठीक हो गया। वी इनक्रिप्ट ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बाय फाइंडिंग दैट लेटर इन कॉलम लेबल्स ऑफ द विग्नियर टेबल एंड इन दैट कॉलम letter in column labels of the Vignier table and in that column we find a letter that is in front of the row label for the respective letter of the key. अच्छा अब देखो अब आपने किस तरीके से करना, यही वो जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस ऊपर बताया ना, यही उसने यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में बता दिया कि किस तरीके से आपने अपना जो ये जो अल्फाबेट है या ये जो आपका पूरा टेबल है विग्नियर साइफर का इसको किस तरीके से जनरेट करवाना है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ से लेकर अप टू जी तक आपका ये आ गया। ठीक हो गया, अब यही सारी चीज उसने यहाँ पर बता दिया। अब देखें हमने इसके अंदर हमारा जो अगर ये लेटर होगा हमने उसे किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। अच्छा अब एग्जांपल देखो यहाँ पर, लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू इनक्रिप्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद। अब वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को इनक्रिप्ट करना है और की जो हमें उसने दी है वो दी है जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान का लफ्ज है हमारे पास और इनक्रिप्टन जो सब्स्टिट्यूशन की है वो कौन सी है? जिंदाबाद। अच्छा अब वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम लेबल्स एंड जीद फर्स्ट लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन की इन रो लेबल्स। अब जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है ना मतलब प्लेन टेक्स्ट जो है, प्लेन टेक्स्ट को हमने कहां से देखना है? कॉलम वाइज देखना है कि पी कहां पर लोकेट कर रहा है और जी हमने देखना है कि जी हमने रो वाइज देखना है कहां पर लोकेट कर रहा है। अब पी और हमारे पास जी, पी को हमने किस तरह देखना है? प्लेन टेक्स्ट के अंदर कॉलम वाइज हमने देखना है। अब ये ऊपर टेबल पर आओ, अब P और Z दो चीजें हमारे पास, P हमने कॉलम वाइज देखना है। अब P जब हम कॉलम वाइज देख रहे हैं तो ये चीज हमारी बनी, ये बनी लाइन हमारी रो, ये वाली लाइन हमारी बन गई P। ठीक है ना, कॉलम वाइज हमने देखना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एनोटेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो P हम देख रहे हैं कॉलम वाइज, तो P हमने यहाँ से देखना है। ठीक हो गया, अब हमने जो रो वाइज हमने देखना है, रो वाइज जो चीज हमने देखनी है वो हमने देखनी है Z। अब रो में देखो Z कहाँ लोकेट हो रहा है? इधर लोकेट हो रहा है ना, नीचे Z आपका यहाँ पर है, Z इज हेयर एंड P इज हेयर। अब P और Z आपने देखना है कॉमन पॉइंट्स कहाँ पर है इनके। अब P को भी आप नीचे आ जाओ और Z को भी आप सामने जाओ P के, तो आपका जो इसकी साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसका पहला लेटर क्या होगा? ओ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपको ओ नजर आ रहा है लिखा हुआ। ठीक हो गया, तो P को आपने कॉलम वाइज देखना है, जो प्लेन टेक्स्ट है आपका उसको कॉलम वाइज देखना है और जो आपका सब्स्टिट्यूशन की का पहला लेटर है उसको आपने रो वाइज देखना है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या ओवर्ड आना चाहिए यहाँ पर, देखें उसने क्या लिखा हुआ है। वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम लेबल्स एंड जी फर्स्ट लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन की इन रो लेबल्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट द रो एंड द कॉलम मीट एट लेटर ओ एज मार्क्ड विद येलो कलर इन द टेबल 4.1। अब वही चीज जो अभी उसने मार्क करके आपको ऊपर दिखाई भी थी कि अब यहाँ पर कौन सी किस लोकेशन पर वो मीट कर रहे हैं, जीरो ओ पर जाके वो मीट कर रहा है आपका। तो नेक्स्ट देखो, सो द लेटर पी इज कन्वर्टेड टू ओ, तो पी को हम किस लेटर में कन्वर्ट कर देंगे?
ओ में, ठीक है, पी को हम ओ में कन्वर्ट कर देंगे. सिमिलरली वी फाइंड द लेटर ए इन कॉलम लेबल्स विच इज द फर्स्ट कॉलम मार्क विद ग्रीन कलर एंड वी फाइंड द लेटर आई इन द रो लेबल. अच्छा अब अगला देखो, अब ये पी तो हमारा हो गया, यहाँ से पी हो गया और यहाँ से जी हो गया. अब अगला लेटर क्या है हमारा, ए. यहाँ से हमने ए लेना है और सब्स्टिट्यूशन की से हमने आई लेना है. अब ए को और आई को सेम इसी तरह लोकेट करना है, टेबल पर आए. अब हमने कॉलम वाइज ए लेना है, ठीक है, कॉलम वाइज हमने ए लेना है. देखो कॉलम वाइज ए लिया तो यहां से ये बना, ये वाला लेटर ए, ए लिया यहां से, ठीक हो गया. और हमने रो वाइज क्या लेना है, आई. अब रो वाइज आई लेना है, ये रहा आई, देखो यहां से हमने आई लेना है, ये वाला आई. अब इन दोनों का मिड पॉइंट देखो, कॉमन लोकेशन देखो, ए की और आई की कॉमन लोकेशन क्या बन रही है, यहाँ से ए आया और यहाँ से आई आया, तो इसकी कॉमन लोकेशन क्या बन गई, कौन सा लेटर मीट कर रहा है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा होगा कि देयर इज आई ओवर हेयर. यहाँ पर आई कॉमन पॉइंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपका ओ कॉमन पॉइंट आ रहा था, यहाँ पर आपका आई कॉमन पॉइंट आ रहा है. तो जब आपका साइफर टेक्स्ट लिखोगे उसके अंदर फर्स्ट लेटर ओ लिखोगे और सेकेंड लेटर आपने उसके अंदर आई लिखना है, ठीक है. देखें अब नीचे आए इसमें, देखो सिमिलरली सो वी इन द रो लेबल रो एंड कॉलम मीट एट द लेटर आई, सो ए इज रिप्लेस्ड विद आई. अब ये देखो पी ए को हमने इनक्रिप्ट कर, इसको हमने जब इस पे इनक्रिप्शन करवाई है पी और ए की, तो पी की जगह हमने ओ लिख दिया, ए की जगह हमने आई लिख दिया, ठीक है. सेम इसी तरह टेबल से लोकेट करें आप एक्स एल एस यू ए क्यू. ठीक हो गया. अब P और A को हमने जब लोकेट किया तो O और I आ गया, ठीक है. अब आगे K I S T A N, सेम इसी तरह जिस तरह आपने जो K होगा उसको आपने कॉलम वाइज लोकेट करना है, प्लेन टेक्स्ट को आपने प्लेन टेक्स्ट को आपने कॉलम वाइज लोकेट करना है, और जो आपका आपकी सब्स्टिट्यूशन की होगी उसको आपने रो वाइज लोकेट करना है, ठीक है. प्लेन टेक्स्ट को आपने कॉलम वाइज लोकेट करना है और सब्स्टिट्यूशन की जो आपको दी हुई है उसको आपने रो वाइज लोकेट करना है, ठीक है. कॉलम और रो, प्लेन टेक्स्ट कॉलम वाइज, सब्स्टिट्यूशन की रो वाइज, ठीक है. ये याद रखना है, पी और को सी से मैच करो और सब्स्टिट्यूशन की को आर से, एस और आर, पी और सी, मतलब प्लेन टेक्स्ट कॉलम वाइज और सब्स्टिट्यूशन की आपकी रो वाइज. ये चीज याद रखोगे तो टेबल में लोकेट करना आसान हो जाएगा. ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, और अगर आ गई है समझ देन आई विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक. ओके ओके आमना यू टेल मी, आमना टर्न ऑन योर माइक. आमना मुझे बताओ, मुझे बताओ कि ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट को हम कॉलम वाइज लोकेट करते हैं या रो वाइज लोकेट करते हैं. हाँ वेरी गुड, प्लेन टेक्स्ट को हम कॉलम वाइज लोकेट करते हैं, वेरी गुड. ओके फाइन. अच्छा मेहरुन्निसा अब आप मुझे बताओ कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन की होती है उसको हम रो वाइज लोकेट करते हैं या कॉलम वाइज लोकेट करते हैं. मेहरुन्निसा आप बताएं, अपना माइक ऑन करें. जो सब्स्टिट्यूशन की होती है उसको हम रो वाइज लोकेट करते हैं या कॉलम वाइज लोकेट करते हैं. जी मेहरुनी सा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. रो वाइज करते हैं, ठीक है, वेरी गुड. ओके सुहेब आप अपना माइक ऑन करें. यस अब आप मुझे लोकेट करके बताओ कि
कॉलम में आपके पास लेटर है के, नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ जो आपके प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर के है, पी और ए को हमने लोकेट कर दिया, प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपके पास के है और साइफर टेक्स्ट के अंदर आपके पास है कहाँ गया एन, प्लेन टेक्स्ट में के है और साइफर टेक्स्ट में एन है, मुझे टेबल में मैं शो करवाती हूँ टेबल, लोकेट करके बताएं कहाँ पर जाके बनेगा, अब बताएं प्लेन टेक्स्ट में आपके पास के है और सब्स्टिट्यूशन की आपके पास एन है, के और एन, जी सर ये जो है नी जो पिंक वाली लाइन, जी जी बिल्कुल इस पे, इसमें तो इसका कौन सा लेटर मैंने लिखना है, मतलब के और एन दोनों को मैंने लोकेट करना है, तो कॉमन पॉइंट कहाँ पर बना, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, पहला अल्फाबेट आ रहा है, नहीं पहला पहला किस तरह आएगा, मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने सबसे पहला वाला पी और जी लोकेट किया था जो ग्रीन में आप देखो, तो मैंने आपको बताया था पी से आपने पी का और जी का मिड पॉइंट देखना है, पी से आपने नीचे आ जाना है कॉलम वाइज और जी से आपने रो वाइज चलना है, तो ये ओ पर लोकेट हो रहा था, तो सेम इसी तरह के और एन में कहां पर लोकेट हो रहा है ये, एक्स पे हो रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल एक्स पर हो रहा है, आपने उसका कॉमन पॉइंट देखना है, ठीक है, ओके वेरी गुड। अच्छा अब मैंने कहा है कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो बच्चों ने मीटिंग ही लीव कर दी है, शाबाश वेरी गुड। अच्छा चलें ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, ओके फाइन। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर उसने पूरा आगे बताया हुआ है, ये देखो पाकिस्तान की, यहाँ पर ऊपर उसने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे उसने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद लिखा हुआ है, अब देखो के को जो के और एन को लोकेट किया तो एक्स बना, आई और डी को लोकेट करेंगे तो एल बनेगा, एस और ए को लोकेट करेंगे तो एस बनेगा, टी और बी को करेंगे तो यू बनेगा, ए और ए को लोकेट करेंगे तो ए ही बनेगा, एन और डी को लोकेट करेंगे तो क्यू बनेगा, तो जो आपका ये जो नीचे आया ना ओ आई एक्स एल एस यू ए क्यू, ये जो आपका है ये आपका साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट साइफर टेक्स्ट दैट इन द साइफर टेक्स्ट इज इन द अनरीडेबल फॉर्मेट, ठीक है, ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट नोट, इफ द की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम बिगिनिंग, वो कहते हैं अगर आपके पास जो लेटर्स हो वो कम हो, मतलब जो आपके एग्जाम्पल देखो फिर क्लियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट पाकिस्तान हैविंग एट लेटर्स, अब देखो इसके अंदर एट लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पाकिस्तान के अंदर एट लेटर्स हैं, ठीक हो गया, विद द की ब्यूटी, अब पाकिस्तान हमारा जो था वो प्लेन टेक्स्ट था और जो सब्स्टिट्यूशन की उसने हमें दी हुई थी वो ब्यूटी दी हुई थी उसकी, ठीक है, अब वो ब्यूटी के अंदर तो सिक्स लेटर्स हैं, तो हम किस तरह पाकिस्तान को और ब्यूटी के साथ फिक्स करेंगे, क्यों देखो ना यहाँ पर जितने लेटर्स थे जिंदाबाद में उतने ही लेटर्स थे, तो सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान हमारा वर्ड है और उसकी की हमें ब्यूटी दे दी गई है, तो हाउ वी विल कम्प्लीट दीज एट लेटर्स इन ब्यूटी, हम क्या करेंगे, ब्यूटी के आगे सिक्स लेटर्स हैं यहाँ पर, तो दो जो शुरू के लेटर्स है ना हमारे बी और ई, इनको हम फिर आगे लगा देंगे, किस तरह देखें, वी रिपीट द लेटर्स ऑफ द की, we repeat the letters of the key to make them equal in length to the given plain text, so the key becomes beauty, aur uske baad aage dekho b aur e, ye b e ka word jo hai ye inhone dobara yahan par laga diya, having same number of letters and this key is called interim cipher text, aur is cipher text ko matlab jab key hoti hai usko generate karne ke liye humne jo do letters aage lagaye usko hum kehte hain interim cipher text, theek hai। एक्टिविटी नंबर 4.4 देखो, प्रिपेयर अ चार्ट फॉर द स्पोर्ट्स यू लाइक्स द मोस्ट इन द चार्ट, राइट नेम्स ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स इन प्लेन टेक्स्ट एज वेल एज इन साइफर टेक्स्ट, यू कैन यूज सम की ऑफ योर ओन चॉइस। अच्छा वो कहते हैं कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बल्कि इस एक्टिविटी को छोड़ो आप लोगों ने ये करना है कि हर बच्चे ने अपना अपना नाम लेना है और उस नाम के अगेंस्ट आपने कोई ना की रख देनी है, ठीक है, अपनी तरफ से ना कोई भी सब्स्टिट्यूशन की आपने लिख देनी है,
उसके बाद आपने टेबल में से लोकेट करके ना उसका साइफर टेक्स्ट जनरेट करके मुझे अगली क्लास में आपने मुझे ईमेल पर मुझे अपनी वो फाइल आपने बना के मुझे सेंड करनी है. दैट इज योर होमवर्क इन फॉर टूडेज. जब तक इस आप विग्नियर साइफर की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी. ओके मेरी बात समझ आ गई. होमवर्क इज क्लियर. आपने अपना नाम लेना है ठीक है. फॉर एग्जाम्पल योर नेम फुल नेम आपने लेना है ठीक है. अपना नाम आपने ले लिया. उसके बाद आपने उसके अंदर कोई सी भी सब्स्टिट्यूशन की रख देनी है. मतलब कोई भी लेटर कहीं पर भी रख दो. आमना फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है तो ए के अगेंस्ट आपने जेड रख दिया. एम के अगेंस्ट आपने पी रख दिया. इस तरीके से आपने कुछ भी रख देना है ठीक है. उसके बाद आपने इस टेबल को देखते हुए ये बुक आपके पास होगी. इस टेबल को देखते हुए आपने जनरेट करवाना है साइफर टेक्स्ट ठीक है. और वो साइफर टेक्स्ट या एक पिक्चर की फॉर्म में आपने मुझे जीमेल पर सेंड करना है. मैं अभी आपको चैट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर देती हूँ ठीक है. ठीक है ये ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया. इस पर आपने वो एक पेज पे करके ये पूरे अपने एक्टिविटी उसके बाद आपने मुझे उसकी पिक्चर लेकर आपने मुझे सेंड करनी है जीमेल पर ठीक है. अच्छा अब वो कहते हैं कि ये जो विग्नियर साइफर होता है ये जो सारा प्रोसेस था हमने मैन्युअली किया था. अब इसी विग्नियर साइफर को ना हम एक विजिट जो होता है ये आपको ना बना बनाए एक सॉफ्टवेयर भी इसका मिल जाता है जहां से आप अपने कीज जो है सब साइफर टेक्स्ट जो है जनरेट करवा सकते हो बाय अप्लाइंग डिफरेंट कीज यूजिंग विग्नियर साइफर विजिट. देयर इज अ विजिट अवेलेबल एट द वेबसाइट का नाम उसने यहाँ दिया हुआ है. इट इज कॉल्ड विग्नियर साइफर इनक्रिप्शन विजिट. It shows animation of the encryption and decryption of plain text by using Wigner cipher method according to a given key. Screenshot of this widget is in the diagram 4.13. You can type text on upper left corner and provide a key for encryption. वो देखो यहाँ पर वो ये block आप नजर आ रहा होगा यहाँ पर आप अपना plain text लिखोगे ठीक है और यहाँ पर उसे अपनी key बताओगे और यहाँ पर आपने encrypt करना है या decrypt करना है. वापिस कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में या आपने साइफर में जाना है अभी. तो अगर आपने इंक्रिप्शन करनी है तो इस चेक बॉक्स को चेक करोगे और उसके बाद प्ले का बटन प्रेस करोगे तो नीचे देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा. इसके अंदर ये साइफर टेक्स्ट जो है ना यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट नजर आ रहा होगा. तो ये आपको एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी मिल सकता है ठीक है. अच्छा प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज. अब तो ये तो हमने जो की थी ये हमारी इंक्रिप्शन थी कि हमने अपने डेटा को सिक्योर किया बाय अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ इंक्रिप्शन एंड बाय यूजिंग द डिफरेंट साइफर टेक्स्ट एंड साइफर सीजर साइफर एंड विनेगर साइफर टू टेक्निक्स हमने यूज करी थी. अब हम क्या करेंगे अगर हमने हमारे पास जो है वो साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है उसको हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होंगी. To decrypt a message, we find the letters of the key in the rows of Wigner cipher and then in that row we locate the letter of encrypted text. When the letter is found, we take the column heading for that letter as decrypted letter. For example, to decrypt, we find with key Zindabad, we find the row of the letter Z and that rows we will find in the letter O where. But अब आपने बिल्कुल opposite चलना है ठीक है. जिस तरीके से आपने encryption किया ना उससे आपने opposite करना है. अब देखो आपको cipher text दिया हुआ है और key दी हुई है. दो चीजें आपको दी हुई है. आपने इससे क्या generate करवाना है plain text. आपने जनरेट करवाना है. अब आपने देखना है O को आपने लोकेट कर लिया और Z को आपने लोकेट कर लिया. O को आपने रो वाइज लोकेट कर लिया और आपने Z को आपने रो वाइज लोकेट कर लिया. O को आपने कॉलम वाइज लोकेट कर लिया. अब जब इन दोनों को आपने लोकेट किया तो आपको P का लेटर वापस मिल जाएगा जो कि नॉर्मल आपका प्लेन टेक्स्ट था ठीक हो गया. सिमिलरली वी कंटिन्यू विद ईच लेटर ऑफ द साइफर टेक्स्ट एंड डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट. सेम इसी तरह अब आप जब करोगे ना अपना नेम लिखकर करोगे तो आपने उसे साइफर टेक्स्ट में जनरेट करवाओगे और उस साइफर टेक्स्ट को फिर आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देखना. फिर आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे ठीक है. सेम वही मेथड है बिल्कुल उसी तरह आपने करना है. डू यू नो ये एक साइंटिस्ट था जूलियस सीजर वॉज बोर्न इन जुलाई 1300 BC रोम इटली एंड वॉज असैसिनेटेड ऑन मार्च 1544 BC. हिज फेमस कोट्स आर एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ ऑल थिंग्स. वो कहता है कि एक्सपीरियंस जो होता है इट इज अ टीचर ऑफ ऑल थिंग्स. जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है ठीक है. अगली कोटेशन है मेन फ्रीली बिलीव दैट विच दे डिजायर.
जो ख्वाहिश आपकी होती है ना, जो आपकी ख्वाहिश होती है उसको आप अगर उस ख्वाहिश को पूरा करो ना, तो अपने इरादों पर आपको यकीन रखना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैंने करना है वो मैंने बिल्कुल ठीक करना है, तो फिर क्या होगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप डाउट्स में पड़ जाओगे कि पता नहीं ये ठीक मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं किसी से टैली कर रहा हूँ, बताने का मकसद उसका यहाँ पर, कोट देने का मकसद यहाँ पर ये था कि जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप अपने इस प्रोसेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो जब तक वंस यू विल, अब देखो अपना नाम लिखो, मैंने तो जो आपको होम असाइनमेंट दी उसमें मैंने आपका नाम, अब उसके बाद आपने अगर और प्रैक्टिस करनी है आप अपने बहन भाइयों का नाम लिख लो, आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखकर उनके इंक्रिप्शन करके दिखाओ, तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो ये टेबल भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और जब कभी भी लाइफ में कभी भी कोई आपसे पूछेगा ये जो विग्नियर साइफर और सीजर साइफर है ये आपके यहाँ पर से शुरू